हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज शोभा सोम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। सो मैंने रिसेंटली अपने इंस्टा पर ये अनाउंस करा है कि कोची में मेरा लास्ट टाइम चल रहा है। कल मैंने कोची से अपनी लास्ट फ्लाइट कर ली है। कल मतलब 9th of January को मेरी माले बैग थी, दैट इज़ मालदीव्स, और आज मेरी छुट्टी थी 10 तारीख को और कल मेरी रिलोकेशन है। सो आज मेरा लीगली कोची में आखिरी दिन है और कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है 8:20 की और मैं पहुंचूंगी 12 बजे अपनी डेस्टिनेशन पे। मैंने नहीं बताया अब तक भी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ, कुछ लोगों को पता है बट ऐसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो या मैंने पोल भी लगाया था, उसमें काफ़ी सारे जनों ने दिल्ली चूज़ करा है, बट ये चीज़ मैं बाद में कंफर्म करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो उसके लिए आज मेरा आखिरी दिन है जैसे कोची में, तो ज़्यादा तो कुछ तो मैंने करा नहीं है, बट अभी हम नेहा, मैं और फातिमा अपने लास्ट आउटिंग पे जा रहे हैं। आई डोंट नो इसके बाद कभी चांस मिलेगा या नहीं हमें जाने के लिए, और सिंस ये हमारी लास्ट आउटिंग है इसलिए मैंने सोचा आज मंदिर चलते हैं भगवान जी के पास। बहुत टाइम से मैं जाना चाह रही थी बट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जा रहा था कि मैं नहीं जा पा रही थी, बट फाइनली आज हम जा रहे हैं। मैं रेडी होके बैठी हूँ नीचे, वो रेडी हो रहे हैं, और टेंपल ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम झटपट से जाएंगे और आ जाएंगे। उसके बाद मेरी थोड़ी सी पैकिंग रह रही है, वो पूरी करनी है, एंड यस आई एम डन फॉर द डे। और आज सुबह से ना मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है कि यार कोची आई मिस यू यार, कोची आई मिस कोची फॉर श्योर, बिकॉज कोची के बारे में मैं बात करूँ तो उन सभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं कैबिन क्रू में जो भी आ रहे हैं या जो भी वो वीडियो देख रहे हैं जो अपने ट्रेनिंग पीरियड में हैं या कुछ भी, तो प्लीज़ अगर हो सके तो कोची आ जाना अगर आपको होम सिकनेस फील नहीं होती, बिकॉज कोची इज़ अ वेरी गुड बेस एज अ प्लेस ऑल्सो। कोची बहुत अच्छा है, शांत है, जो कि हम सबको पता ही है कि कोची कैसा है, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कोची इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट वी कैन हैव। सो प्लीज़ कोची आने में झिझके मत, आ जाइए अगर आपको होम सिकनेस नहीं है। मुझे है, वो एक मेरा पर्सनल रीज़न है जो मैं यहाँ से जा रही हूँ, बट अगर 2-3 रीजन्स वो मेरे ना हो नहीं होते ना तो मैं रुक जाती, लाइक बिकॉज कोची है यार इतना अच्छा। अगर मैं एविएशन पर्पज़ से बताऊँ आपको तो यहाँ के पैसेंजर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत काइंड, काम, कंपोज टाइप है, ठीक है, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है अनलाइक अदर सिटीज़। और यहाँ पे फ्लाइंग बहुत मॉडरेट है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, और ये है कि बिल्कुल तुम्हें उड़ाते ही रहेंगे वो, तुम टायर्ड हो जाओगे। उसके बाद लेओवर्स, तुम्हें इंटरनेशनल लेओवर्स यहाँ पे बहुत मिलेंगे, बाकी बेसिस पे नहीं मिलते, यहाँ पे मिलेंगे, बेहिसाब मिलेंगे, तो एक वो यहाँ पे रहने का एडवांटेज है। और थोड़ा कोची जो है ना मॉडरेट है, मॉडरेट इन द सेंस ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है। तो वो थोड़ा आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो चीज़ें। और खाने की एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, लाइक नॉर्थ से अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो उनके लिए चॉइसेस बहुत कम हैं, बट खुद से बनाओगे तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और खाना हो गया, एक्सपेंस हो गया, लोग हो गए, और क्या, और बस यार और क्या चाहिए। लाइक एविएशन के पर्पज़ से तो मैंने बता दिया कि कोची कैसा है, वैसे इन जनरल भी बोलूँ तो इट्स वेरी गुड। साउथ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, देखो 100% तो कोई भी अच्छा नहीं होता, डेटॉल भी 99.99% कीटाणु मारता है, तो यहाँ पे भी ये नहीं है कि सभी अच्छे हैं, 1-2% इधर उधर हो जाता है, बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो यार आई डोंट नो मैं जहाँ पे जा रही हूँ मैं वहाँ जाके सही कर रही हूँ या नहीं, पर ठीक है अगर देखा जाए एक तरह से तो ठीक है जा रही हूँ। तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना तो आई वॉज डाइंग टू गो बैक एट माई प्लेस, बिकॉज़ यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा यू नो रोना सहता रहता था, अकेले फील होता था कि यार क्या होगा मेरा, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी यहाँ पे। बट एक महीने के बाद ही कोची ने मुझे अपना लिया था, या मैंने अपने कोची को अपना लिया था, तो
इसलिए फिर सब अच्छा अच्छा हो गया। अब भी ऐसा हो रहा है कि यार मैं जाके सही कर रही हूँ ना, जहाँ मैं स्टार्टिंग में मर रही थी जाने के लिए, अब मैं जा रही हूँ तो अब मैं डाउट कर रही हूँ कि जाना सही हो गया कि नहीं। मैं जा रही हूँ तो चलते हैं, वरना भगवान जी कहेंगे कितनी अनग्रेटफुल लड़की है यार, जो मांग रही थी इतने दिनों से वो दे दिया, अब भी कह रही है कि यार सही हुआ कि नहीं। तो इसलिए मैं खुशी खुशी जा रही हूँ कि चलो चलते हैं, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। ट्रांसफ़र के लिए मैंने सितंबर में ही डाल दिया था, तब से अब मेरा ट्रांसफ़र आया है जनवरी में, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने बाद, ठीक है ना। तो यस, ऐसा होता है। हम ट्रांसफ़र्स कैसे अप्लाई करते हैं, वैसे ना पता क्या होता है, यूजली अगर आप किसी बेस पर जा रहे हो तो वहाँ पर आपको 1 साल तो सर्व करना पड़ता ही है, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। बट मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि मेरा पहले ही हो गया, काफ़ी जल्दी हो गया, और जहाँ मुझे जाना था एग्जैक्ट वहीं हुआ है। सो आई एम हैप्पी हैप्पी। चलो और नीचे चलते हैं और नेहा फातिमा से मिलवाती हूँ, वो शायद लास्ट टाइम मेरे इस व्लॉग में आ रहे होंगे, मुझे इतना बुरा लग रहा है यार। मतलब आज दोपहर भी मैं बाहर बालकनी में घूम रही थी, तो मैं सोच रही यार ये नज़ारा मुझे दोबारा नहीं मिलेगा देखने को, अब मेरी सुबह पता नहीं कहाँ हुआ करेंगी। तो यस, मैं दिखा दूँ आपको भी थोड़ा सा कुछ ही अपनी व्लॉग्स में, उसके बाद तो शायद लेवर्स पे आना हुआ करेगा। सी यहाँ से व्यू दिखता था, ये एक नया पता नहीं घर वर बना है, पता नहीं क्या है, बट कुछ तो है। ला 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 ला। चलो चलते हैं नीचे मेरे साथ, मिलवाते हैं फातिमा नेहा, और शायद मेरे एक नया सदस्य भी आया हुआ है, मैंने अब तक आपको उनसे मिलवाया नहीं है, बट अब मिलवा देते हैं। बीमार नहीं हो अब तुम, अच्छी लग रही हो। सो दिस वॉज द न्यू सदस्य आई वॉज टॉकिंग अबाउट। बिल्लू बिल्लू, मतलब इस पोज में तो इस साइड भी तो बैठ सकता था ना, मेरा काम बढ़वा रहा है। म्याऊ, कितना भोला से लग रहा है ना, इसे 1 महीना हो गया लाए हुए, नहीं 1 महीना तो नहीं, दिसंबर के लास्ट वीक में लाए थे, सेकंड लास्ट में, और तब से ये हमारे साथ है। हाय साहब, सती सावित्री। मैंने पैकिंग ऑलमोस्ट कर लिया, थोड़ा रूम इग्नोर करना हमेशा ऐसे ही रहता है, वैसे तो हमेशा इग्नोर करना पड़ता है आप लोगों को। सो ये बैग्स मैंने अपने लगा दिए हैं, ये थोड़ा सा सामान रह चुका है, और ये मेरा नया सूटकेस मैंने मंगवाया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सारा सामान नहीं आएगा, इसलिए मैंने नया सूटकेस मंगवाया है, बस ये सामान इसमें रखना है, एंड मी आई एम डन विद माई पैकिंग। अब जाएंगे हम थोड़ी देर में, थोड़ी देर में क्या यार, टाइम हो गया, इनसे कहती हूँ चलेंगे, वरना हम हो जाएंगे लेट और मंदिर हो जाएगा बंद। और नेहा ने मेरे लिए मैगी बनाई, पर ये ठंडी हो रही है अब यार। छुपाई क्यों, वो वैसे भी पता चल ही जाता है देख के कौन कितना खाता है। किसने कहा नेहा पतली लगती है, इसके एब्स है नेहा के, पता है। अच्छा ठीक है, नहीं कर रही है।
हो गया शो खत्म। ये ताची का बैग लेट्स गो वॉरियर टू न जाने कब के दिन गलियों में घूमना होगा। मंदिर तो आ गए हैं पर पुजारी वुजारी अच्छा फाइनली दिखे वरे 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 हैं एक। मंदिर वहाँ पे हो रहा अंदर मैंने फ़ोन निकालने की हिम्मत नहीं करी। एक ही रहा यहाँ पे भी अभी जाएंगे हम उधर मंदिर में तो हो आए। एंड दिस इज़ हाउ मंदिर लुक्स खुला एकदम अच्छी भी है क्या? हाँ अच्छी है। प्लीज मुझे दिखा अच्छी वाली मुझे नहीं दिखी अच्छी वाली। एक दिन में कितनी डाइवर्सिटी शो करेंगे हम जी। अभी हम चर्च में आए सो टुडे वी डिस्कवर्ड दिस आज हमने अच्छा सा चर्च डिस्कवर करा है। सो वी वेंट इन साइड दिस चर्च एज वेल बट मैं अंदर जाके मैंने कैमरा नहीं खोला क्योंकि वहाँ पे प्रीस्ट थे एंड वहाँ पे प्रेयर चल रही थी। और अब हम बीच में से आ गए हैं बिकॉज बहुत मच्छर काट रहे थे उन्होंने मेरा पैर काट काट के लाल कर दिया होगा। देखते हैं अब आगे कहाँ जाएंगे हम। वी हैव नॉट डिसाइडेड क्या होगा क्या नहीं। शर्ट से आने के बाद हम यहाँ पे आए। सो वहाँ पे हमने खाया समोसा जो बहुत क्या कहूँ मतलब अच्छा नहीं था। और वो एक हमने जूस पिया एवरेज था। और फिर हम वहाँ से आ गए और अब हम यहाँ ब्रिज पे बैठे हैं। रात हो रही है कुछ नहीं दिखेगा पानी है यहाँ पे जहाँ पे मैं बोटिंग करने आई थी। अगर देखा हो वो वीडियो तो बोटिंग करने के लिए आए थे तो वहाँ के ब्रिज के पास बैठे हैं। Now we are here to drink this coconut water. मैं क्या last time कोची से पी के जाती हूँ। So हम अभी आए हैं नारियल पानी पी के और अब मैं पहले तो इस वीडियो को एडिट करके डालूंगी because फिर ये डलने ही नहीं है काफ़ी टाइम तक और फिर बाद में इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं रह जाने का डालने के लिए बिकॉज ऑलरेडी सबको पता ही चल जाना है कहाँ जा रही हूँ। हाँ मुझे भी रिवील करना था कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो मेरा ट्रांसफ़र हुआ है दिल्ली बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे जहाँ मुझे चाहिए था एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। तो देखते हैं कैसा जाएगा दिल्ली में मेरा एक्सपीरियंस इंडिगो में। ऑल्सो अब ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है और बस पैकिंग रह रही है थोड़ी सी वो मुझे करनी है और मैं उसे करूँगी वीडियो डालने के बाद। और क्या बताऊँ यार बस लेट्स एंड दिस व्लॉग। और आज मेरा कोची में लास्ट दिन था जो कि काफ़ी अच्छा गया और
आज बस हर चीज़ में मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था कि यार ये आज मैं आखिरी बार कर रही हूँ, आखिरी बार घूम रही हूँ, आखिरी बार ये देख रही हूँ, आखिरी बार इनसे मिल रही हूँ। सीरियसली मैं लोगों को देख के रहूँगा कि ये क्या मतलब, इन्हें पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आज मेरा लास्ट डे है और ये मुझे दोबारा देखेंगे भी नहीं। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। कोची थैंक यू फॉर बींग सो नाइस, आई होप दिल्ली में भी ऐसा ही हो। पर ठीक है, आई हैड अ रियली नाइस टाइम हियर। एक एक दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, कभी कभी बोरिंग हो जाता था, बट स्टिल थैंक यू, थैंक यू कोची। मतलब फिर से मैं बोलना चाहूँगी, जो भी आने वाले हैं कैबिन क्रू, मतलब इंडिगो में बन के कैबिन क्रू, तो अगर उन्हें कोची बेस मिल रहा है बी हैप्पी, बहुत अच्छी जगह है। थोड़े टाइम बाद, मतलब थोड़ा टाइम तक होम सिकनेस होगी, बट थोड़े टाइम बाद यू विल बी ऑल राइट, बिकॉज कोची इज़ वेरी गुड एज अ बेस एंड एज अ प्लेस। सो येस, अब मैं कोची को मिलूंगी सिर्फ फ्लेवर्स पे। सो या ओके गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। बहुत ज़्यादा ठंड है, हाँ एक ठंड का फैक्टर भी है। कोची में वेदर बहुत अच्छा होता है, अब दिल्ली में जाके 0 डिग्री टेम्परेचर में मैं जाऊँगी, मेरे पास कपड़े भी नहीं है सर्दियों के ठीक से जो मैं पहन लूँ, तो मेरे पास जो भी है मैं वो पहन के जाने वाली हूँ। और कोची में जो टेम्परेचर है मॉडरेट रहता है, थोड़ी गर्मी रहती है, बट ठीक है, एसी से काम चल जाएगा आपका। और यस, सो यस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, और ध्यान रखना अपना, और यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यार जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ बनाती हूँ वीडियोज़, ब्लॉग्स, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। तो यस, बाय बाय।